हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, उस वीडियो का टाइटल है, वीडियो का टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आएगा वीडियो देखने का। टाइटल है हाउ इंडिया लॉस्ट लाहौर टू पाकिस्तान। अच्छा, ये मेरे ख्याल से हिस्ट्री से रिलेटेड होने वाली है वीडियो। और हिस्ट्री पाकिस्तान के अंदर जो लिखी हुई हिस्ट्री है, मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा, टेक्स्ट बुक्स के अंदर उसकी बात नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान के पुराने लोग हैं उनकी तरफ से जो बुक्स लिखी हुई हैं उनके अंदर हिस्ट्री, और इंडिया के अंदर जो पुराने लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स लिखी हुई हैं या जो अंग्रेज़ों ने लिखी हुई हैं, इन तीनों के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो खैर, अभी देखते हैं कि यहाँ पर हिस्ट्री से ही रिलेटेड बात होगी तो क्या होगा, किस तरीके से इंडिया ने लाहौर लॉस्ट लॉस्ट कर किया है। दिया, मतलब लॉस्ट हो गया इंडिया को, कि लाहौर जो है उनके पास नहीं गया, पाकिस्तान के पास आ गया। लेट्स गो और इसके इस। साथ साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजिम कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने कोई वीडियो सजेस्ट करनी है तो हम दोनों के इंस्टाग्राम्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। पंजाबी भाषा में एक कहावत कही जाती है कि जिनने लाहौर नहीं देखा वो जन्मया ही नहीं, यानी जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। पुराने जमाने से ही लाहौर शहर को हिंदुस्तान का दरवाजा कहा जाता है, क्योंकि मिडल एशिया और अरब से आने वाले यात्रियों के लिए लाहौर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी हुआ करती थी। और बताया जाता है कि दिल्ली तक पहुंचने के लिए लाहौर से ही गुजरना होता था, लेकिन बंटवारे के बाद लाहौर अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली तक, जो आज भी पाकिस्तान के अंदर एक रोड है जिसको जो कि जीटी रोड है, और उस रोड को आज भी वो शुरू जो होती है, मतलब मुगल के दौर से उन्होंने मतलब एक्सप्लोर क्या की थी, मतलब बताई थी या बनाई थी, या तो उन्होंने ये एक तरतीब दी थी रोड को, एक रास्ते को, तो वो रास्ता अफगानिस्तान से शुरू होता है, काबुल से, और वो दिल्ली तक जाता है, और वो हमारे सिटी के बीच में से रास्ता गुजर के जाता है। एक रोड पकड़ो, सीधे पाकिस्तान आप के दिल्ली हिस्से तक में जा चला गया। सकते हो। और आज तक ये बात कही जाती है कि लाहौर की ज्यादातर आबादी सिख और हिंदू ही थी, इस लिहाज से ये शहर हिंदुस्तान के हिस्से में आना चाहिए था, ना कि पाकिस्तान के। तो आज अपनी इस वीडियो में हम इसी दावे की पड़ताल करने जा रहे हैं कि कैसे लाहौर पाकिस्तान के पास गया, जानना चाहते हैं, और चलिए हमारे साथ लाहौर। दोस्तों, ये है पाकिस्तान का लाहौर, जहाँ की ऐतिहासिक और पुरानी हवेलियाँ आज भी पार्टीशन का दर्द अपने अंदर समेटे हुए हैं। 2017 के आंकड़ों के अनुसार आज यहाँ पर 94.7% आबादी मुस्लिम की है, तो वहीं महज 0.2% आबादी हिंदुओं, जो ना के बराबर ही है। लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, और कहा भी क्यों ना जाए, पाकिस्तान के रेवेन्यू का 11.5% हिस्सा अकेले लाहौर से जो आता है। इसके अलावा ये प्रोविंशियल इकोनॉमी में भी 19% का योगदान देता है। लाहौर पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पार्टीशन के वक्त लाहौर पाकिस्तान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का हिस्सा होने वाला था। भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले कुछ लोगों का भी यही मानना है, लेकिन आखिर में ऐसा नहीं हो पाया। अब इन लोगों की बातें सुनकर बार बार दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि लाहौर पाकिस्तान के नहीं बल्कि भारत के हिस्से में जाना चाहिए था, और बाद में ऐसा क्या हुआ कि लाहौर को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। अब इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा दोस्तों इतिहास में पूरे 76 साल पीछे। शुड लाहौर हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया? देखिए, बड़े बूढ़े बताते हैं कि लाहौर को भारत का हिस्सा मानने के पीछे कई वजहें थी। दरअसल उस वक्त रिलीजन के बेसिस पर शहरों का बंटवारा हुआ था, जिससे शहर में मुस्लिमों की पॉपुलेशन ज्यादा थी। अच्छा, रिलीजियस बेसिस पे अगर देखा जाए तो जो इंडिया के अंदर एक स्टेट है या तो सिटी है, जिस तरह हैदराबाद हो गया, और वहाँ के राजा थे जो, उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया था क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा थे। इस तरह कुछ और इंडिया के अंदर भी ऐसे सिटीज़ थे, इंडिया के बीच में, जो कि सिटीज़ ये चाहते थे कि हम लोग जो है उनके साथ हो जाए, मतलब पाकिस्तान के साथ हो जाए, और उन्होंने नाम भी स्टार्ट में दिया था और पाकिस्तान के झंडे भी लगे थे। लेकिन क्या हुआ था कि वो, जाहिर सी बात है, इंडिया के साथ जुड़े हुए थे, इंडिया के बीच में थे, तो वो तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं था ना। आप कितना टाइम उसको पाकिस्तान का ऐसा करार दे सकते थे, मतलब एक टाइम आना था, ख़त्म हो जाना था,
और वो ही हुआ खत्म हो गए, और इसी तरीके से ये वो भी खत्म हो पाकिस्तान गया। के हिस्से चला गया, और जो सुशहर में हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा थी वो हिंदुस्तान के हिस्से में आ गया था। लेकिन इसके साथ ही इसमें कई और फैक्टर्स भी शामिल थे। समुदाय की पॉपुलेशन के अलावा ये भी देखा जा रहा था कि प्रॉपर्टी ओनरशिप किस रिलीजन के पास ज्यादा है। बता दें कि 1941 के पॉपुलेशन सेंसस के अनुसार लाहौर में 40% नॉन मुस्लिम लोग रहते थे, वहीं 80% प्रॉपर्टी ओनरशिप भी नॉन मुस्लिम्स के पास थी। इस वजह से लाहौर की इकोनॉमी में गैर मुस्लिम का बहुत ज्यादा प्रभाव था। ये सबसे मेन कारण था कि जिसकी वजह से लग रहा था कि लाहौर भारत का हिस्सा हो सकता है। इसके साथ ही लाहौर में नॉन मुस्लिम का अधिकार बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, बिजनेस, इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल पर भी बहुत ज्यादा था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि वहाँ का श्री गंगाराम हॉस्पिटल, गुलाब देवी हॉस्पिटल, जानकी देवी हॉस्पिटल, दयाल सिंह कॉलेज जैसे हॉस्पिटल थे जो सिख और हिंदू ही चलाते थे। इसके अलावा ये महाराजा रणजीत सिंह की रियासत की कैपिटल भी थी। वहीं तब के लाहौर को और बेहतर समझने के लिए चलिए सबसे पहले आपको यहाँ की सांस्कृतिक विरासतों के बारे में बता देते हैं। देखिए, आर्य समाज मंदिर, महादेव मंदिर, शीतला माता मंदिर, भैरव मंदिर, रावर रोड पर श्री कृष्ण मंदिर, दूध वाली माता मंदिर, महाराजा रणजीत सिंह समाधि, डेरा साहिब, प्रकाश स्थान श्री गुरु रामदास जी, भाभारियान जैन दिगंबर मंदिर, जैन श्वेतांबर मंदिर यहाँ के कुछ मशहूर धार्मिक स्थल हैं। वहीं लाहौर के पंजाब यूनिवर्सिटी में तो 8671 संस्कृति और हिंदी की पांडुलिपियां आज भी रखी हुई हैं। लाहौर में उस समय बड़े व्यापारी हिंदू ही थे। अब यहीं से आता है दोस्तों हमारा अगला सवाल कि जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम्स की थी, प्रॉपर्टी ओनरशिप का फैक्टर भी हिंदुओं के खेमे में था, तो फिर कैसे ये पाकिस्तान में चला गया? हाउ डिड द पार्टीशन हैपन? दरअसल जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन होना था, तब ब्रिटेन से एक शख्स को बुलाया गया था जिसका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। उन्हें आदेश दिए गए थे कि भारत और पाकिस्तान को, यह इसी बंदे की खींची हुई लाइन है जो कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, और इसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स जो हिंदू मुस्लिम्स वाली लड़ाइयाँ थी वो ख़त्म भी हुई थी। ठीक है, उससे पहले नहीं, उससे पहले हो रही थी और उसके बाद ख़त्म भी हुई, और एक लाइन खींची गई थी और उसके बाद ही ये चीज़ें सेट भी हुई थी, मतलब अपनी अपनी जगह पे लोग दो हिस्सों में बांटना है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि रेडक्लिफ न कभी पहले भारत आए थे और ना उन्हें यहाँ के कल्चर की समझ थी। बस अंधे मुंह उन्हें भारत को बांटने का जिम्मा सौंप दिया गया था। उनकी लीडरशिप में एक रेडक्लिफ कमीशन बनाया गया और इसी कमीशन ने बंटवारे के लिए बॉर्डर लाइन बना दी। उन्होंने जो बॉर्डर बनाया बाद में उसे ही तो रेडक्लिफ लाइन का नाम दिया गया था। उन्होंने ही डिसाइड किया था कि भारत और पाकिस्तान में कौन सा शहर कहाँ पर रहेगा। वहीं लाहौर का फैसला भी रेडक्लिफ ले चुके थे कि उसे किस खेमे में डालना है। और इसी ऐतिहासिक फैसले के बाद आती है 12 अगस्त 1947 की वो तारीख जहां से शुरू हुई एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल और रिलीजियस उठापटक। लाहौर में बंटवारे की बात को सुनकर दंगे फैल चुके थे। उधर बताया जाता है कि लाहौर ने आज से पहले कभी ऐसी सुबह नहीं देखी है। सड़कों पर हर तरफ लाशें पड़ी हुई थी। अंग्रेजों का कहना था कि किसी ने लाहौर के भारत में शामिल होने की अफवाह बाहर उड़ा दी थी, और इसी के विरोध में हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम शुरू हो गया था। महज 24 घंटे के अंदर ही लाहौर में हालात इतने बिगड़ गए थे कि गवर्नर जेंकिंस ने लॉर्ड माउंटबेटन को टेलीग्राम भेजकर फौज को बुलाने का डिमांड कर दी। उन्होंने लिखा था कि लाहौर और अमृतसर की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कत्लेआम करते हुए कई पुलिस वालों को भी देखा गया है। इसके साथ ही एक बड़े मुस्लिम नेता लियाकत अली ने एक नारा भी दिया था कि हंस के लिया पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। लाहौर की हर गली हर मोहल्ले में यही नारा गूंज रहा था। लोग बताते हैं दोस्तों कि लाहौर के इस कत्लेआम की असल वजह सिरिल रेडक्लिफ ही थे। उनके ऑफिस से ही यह इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी। लाहौर पहले भारत के हिस्से में ही आना था, लेकिन 12 अगस्त को इतने लोगों का खून बहा कि लाहौर को भारत में मिलाने का फैसला गुपचुप तरीके से बदलना पड़ा। कहते हैं कि रेडक्लिफ का एक एसोसिएट पाकिस्तान को कोई भी बड़ा शहर ना दिए जाने से नाखुश था। लाहौर भी जब हाथ से निकलने लगा तो उसने यह इन्फॉर्मेशन लियाकत अली को भेज दी थी। कुलदीप नैयर नाम के एक पत्रकार ने एक रेडियो चैनल को बता दिया था कि उसकी रेडक्लिफ से मुलाकात हुई थी। इस दौरान रेडक्लिफ ने नैयर से कहा था कि बॉर्डर लाइन खींचने के लिए उसे सिर्फ 10 से 12 दिन मिले थे। उन्होंने बस एक बार हवाई जहाज से ही भारत को देखा था, और उसे बताया गया था कि लाहौर हिंदुओं का शहर है, उनकी प्रॉपर्टी मुसलमानों से ज्यादा है। लाहौर तब बहुत बड़े शहरों में गिना जाता था दोस्तों।
इस लिहाज से उसे हिंदुस्तान का हिस्सा होना था, लेकिन पाकिस्तान को अब तक कोई बड़ा शहर मिला था नहीं। तो रेडक्लिफ का कहना है कि बंटवारे के बाद मुझसे नाराज रहने वाले पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि मैंने भारत से लेकर उन्हें लाहौर दिया है। इसके साथ ही उस समय सिरिल रेडक्लिफ ने जो बॉर्डर डिसाइड किया उसके हिसाब से पंजाब के दो शहर फिरोजपुर और गुरदासपुर भी पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे। और कुछ दिन बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने रेडक्लिफ से दोनों शहरों को वापस भारत में शामिल करने का आदेश दिया था। तो माउंटबेटन के इस आदेश से उन दोनों शहरों में भी बहुत मार काट हुई थी। इसके दूसरे तरफ भारत और पाकिस्तान दोनों के ही लीडर्स फौज के बंटवारे का भी दबाव बना रहे थे। फील्ड मार्शल सर क्लाउड अचिलेक भी रेडक्लिफ के पास आ चुके थे, ज्योग्राफिक पॉपुलेशन के हिसाब के साथ फौज के बंटवारे का प्लान बना। इसके अलावा एयरफोर्स के भी 10 स्क्वाड्रन थे, इनमें से 8 भारत और 2 पाकिस्तान को दिए गए। इसी तरह नेवी के 2 यूनिट भारत को और 1 पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। तय ये हुआ था कि अप्रैल 1948 तक दोनों देशों की सेनाओं के सुप्रीम कमांडर फील्ड मार्शल अचिलेक ही रहेंगे। दोनों देशों की सेनाएं बेलगाम ना हो इसके लिए ज्वाइंट डिफेंस काउंसिल बनाया गया था, जिसके चेयरमैन लॉर्ड माउंटबेटन खुद बने। बताया जाता है दोस्तों कि 3 अगस्त को गांधी की कश्मीर के महाराजा हरि सिंह से मुलाकात हुई। नेहरू के कहने पर गांधी ने हरि सिंह से सिर्फ इतना कहा था कि रामचंद्र काक को निकाल दीजिए। दरअसल रामचंद्र काक हरि सिंह के प्रधानमंत्री थे। 12 अगस्त को महाराजा ने काक को बर्खास्त कर दिया था। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि उस दिन गांधी ने अगर हरि सिंह से भारत में मर्ज होने की गुजारिश की होती तो कश्मीर की जो आज समस्या है वह होती नहीं। लेकिन गांधी सिर्फ काक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला तक ही बात करके वापस आ गए। इसकी एक बड़ी वजह जून में माउंटबेटन का कश्मीर दौरा था। जून के तीसरे सप्ताह में माउंटबेटन कश्मीर में महाराजा हरि सिंह से मिलने पहुंचे। माउंटबेटन ने कहा कि यहाँ की ज्यादा आबादी मुस्लिम है, ऐसे में पाकिस्तान में जाना ही सही होगा। महाराजा ने माउंटबेटन की बात खारिज करके उनकी सलाह ठुकरा दी। महाराजा का झुकाव जिन्ना से ज्यादा नेहरू की तरफ था, तभी उन्होंने अपने सबसे विश्वास वाले आदमी काक को भी हटाने में देर नहीं की। इसके साथ ही देखा जा रहा था दोस्तों कि आजादी की तैयारियां सिर्फ अपने देश में ही नहीं चल रही, बल्कि लंदन में भी वैसा ही मंजर देखने को मिल रहा था। यहाँ भारतीयों का सबसे बड़ा अड्डा इंडिया हाउस हुआ करता था। लंदन में तब कृष्ण मेनन हाई कमिश्नर होते थे। तय हुआ था कि कृष्ण मेनन की लीडरशिप में आजादी से जुड़ा एक कार्यक्रम आयोजित होगा। ब्रिटिश पीएम एटली और उनके कैबिनेट को भी इसमें शामिल होने का न्योता भेजा गया। इसके अलावा कृष्ण मेनन 1957 में देश के रक्षा मंत्री भी बने। अब इन सब चीजों के बीच अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो रेडक्लिफ की इन गलतियों का खामियाजा सीधे तौर पर लाहौर की जनता ने तो भुगता। जो लाहौर शायद भारत के हिस्से में होना था वो पाकिस्तान में चला गया, और लाहौर से बड़े बड़े हिंदुओं और सिख जमींदारों को अपनी शर्ती छोड़कर भारत की तरफ आना पड़ गया। यही प्रॉब्लम्स होते हैं जब इस तरह के कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं ना, मतलब जब पार्टीशंस होती हैं या तो इस तरह की कोई बड़ी चीजें होती हैं, फिर मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आम लोगों का नुकसान होता है। मतलब पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनकी देखो इधर भी जगह है उधर भी जगह है, तीसरे कंट्री में भी जगह सुनाना होता है, नुकसान और, जो है हाँ, उन आम लोगों का होता है। देखो उस टाइम पे अगर जो लोग हिंदू इस तरफ थे वो लोग वापस उस तरफ गए, जितने और भी नॉन मुस्लिम्स थे वो लाहौर छोड़ गए, अगर इंडिया गए तो उन्होंने सारी अपनी चीजें हर चीज यहाँ पर छोड़ के सब तो लेके नहीं जा सकते थे, और ज़मीनें तो छोड़ के ज़मीन तो साथ लेके नहीं जा सकते। और इसी तरीके से अगर हम लोग मुस्लिम्स की बात करते हैं, वहाँ के सिटीज़ में या जहाँ जहाँ पे भी वहाँ पर रहते थे वो लोग भी छोड़कर यहाँ पर आए, तो कुछ लोग वहीं पर रह गए, कुछ उस तरह हिंदू भी यहाँ पर रह गए, कुछ लोग हैं जो यहाँ पर रह गए, सिख रह गए, अभी भी सिख कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और सिख कम्युनिटी वैसे भी और भी जगहों पर है। कराची वगैरह में हिंदू ज़्यादा हैं, लेकिन लाहौर में और इस्लामाबाद वगैरह में इन सिटीज़ में कम मिलते हैं। तो देखा जाए तो ये चीज़ें, ये नुकसान दोनों तरफ होते हैं। बहरहाल ये जो चीज़ें हो चुकी हैं, अब जो डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से हो चुकी है वो हो चुकी है। अब तो ये चीज़ें, अब ऐसा टाइम है ना, इंडिया चाहेगा कि यार हम लोग इन लाहौर के लिए या किसी दूसरे सिटी के लिए लड़ें। हाँ, कश्मीर को लेके आज तक ये है चीज़ कि इंडिया भी क्लेम करता है, पाकिस्तान भी क्लेम करता है, और कश्मीरी अलग से क्लेम करते हैं कि हमारी जान छोड़ो, दोनों हमें आज़ाद रहने दो। तो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन हर जगह पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। खैर, वीडियो से रिलेटेड आप लोगों का जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर। हम लोग मिलते हैं और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।